खबर मिर्जापुर जिले के चुनार से है। चुनार गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण तटवर्ती इलाके के लोग दहशत में। मिर्जापुर जिले के चुनार नगर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण तटवर्ती इलाके के लोग दहशत में हैं। गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण नगर के बालू घाट स्थित संतोषी माता मंदिर के पास की धर्मशाला, विष्णु घाट सहित संत धाम घाट में पानी घुस चुका है। साथ ही तटवर्ती इलाकों के किसानों द्वारा बोई गई फसल भी जल में डूबती चली जा रही है। इसके अलावा तटवर्ती इलाकों में अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदार व अन्य व्यवसायी भी बहुत ही डरे हुए हैं और कुछ तो अपना सामानों को सुरक्षित स्थानों पर हटा भी रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की माने तो गंगा के जलस्तर में यदि किसी प्रकार बढ़ोतरी जारी रही तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। स्थानीय लोगों में विश्वनाथ साहनी, सोनू साहनी, रतन साहनी, बिंदु साहनी ने बताया कि आगे हो रही बारिश और विभिन्न बैराज के खोले जाने से आए पानी के कारण भी यह बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में यदि बढ़ाव का यह स्थिति बनी रही तो बहुत जल्द पानी निचले इलाकों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी आ जाएगा। चुनार से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। निकाले बाबू फ्लाइट तो फ्लाइट ना करी यही जहाज में जाए ना वो हार खटवाए लग जाओ पीछे हट जा पानी बहुत तेजी में बढ़त हो पैर सरकी तुरंत तुरंत नाले में जैबा 20 फीट नीचे गप से वही समय मर्जी पर निकाले हम लोग कुछ बाबू। हाँ भैया आपका नाम? रतन साहनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चुनार के बालू घाट के काजी टोला का रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ गंगा जी कुछ उफान पे हैं तो क्या बढ़ोतरी जारी है? क्या बढ़ोतरी जारी है? आज सुबह से 1.5 फुट पानी बढ़ा है। 1.5 फुट? हाँ, कल से आज तक। अच्छा, ये पानी आ कहाँ से रहा है? राजस्थान से आ रहा है। अच्छा, ऊपर से। अच्छा, कुछ बांध के पानी है जो कि आ रहे हैं। तो ये हम जैसा कि देख पा रहे हैं जिस तरह से ये गंगा उफान पे हैं, ये आसपास लोग अपना बांस बल्ली भी हटा रहे, किनारे के लोग, और खेत खलिहान में भी पानी जा रहा है, तो दिक्कतें हैं यहाँ? बहुत दिक्कत, ज्यादा दिक्कत तो है ही है, पानी बढ़ेगा दिक्कत होगा करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्यादा दिक्कत है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो बस 2 दिन में वहाँ चित्रा उतना सब नेस हो जाएगा सब। अच्छा, अगर पानी की यही रफ्तार रही तो काफी जल्दी पानी इधर आ जाएगा सड़क पे भी। सड़क पे आएगा तो खेती एकदम तबाही हो जाएगा। ओ, खेती की तबाही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे काफी ढाब इलाका है, काफी निचले इलाके हैं जो कि बड़े पैमाने पर खेती होती है और बाकी लोग अपना रोजी रोजगार करते हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कतें हैं। दिक्कत, काफी दिक्कत है। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद।